एडीआर भवन जिला विधिक सेवा मंडलेश्वर में मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर अजय मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 3 जुलाई को एडीआर भवन में आयोजित किया गया। जिला न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में हुए मध्यस्थता जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा कहा गया कि मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से निराकरण करने के लिए पैरालीगल वॉलंटियर और अभिवक्ताओं के माध्यम से विवादों का निराकरण जल्द से जल्द प्रदान किया जा सकता है। मध्यस्थता आपसी समझौते की प्रक्रिया है जिसमें न किसी की जीत और न किसी की हार होती है। इस माध्यम से दोनों पक्षकारों की जीत होती है। कसराव से अखिल खान की रिपोर्ट। वैक्सीन लगवाने के लिए आप तैयार नहीं? अभी सबको वैक्सीन लग चुका है। भाई क्यों एडमिट नहीं लगा? और जैसे साहब बोल दिए कहा तुम लोग राजीनामा हो गया है और हम हो गया साहब दस्तक कर देते हैं, लेकिन अब हम उस तरह के मामलों में मतलब करेंगे जिसमें आपको लगता है कि नहीं हम दोनों के बीच में अगर कोशिश किया जाए तो सफलता मिल सकती है, तो वो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको। आप दोनों को पेश नहीं किया है, उनमें से भी यदि कोई व्यक्ति प्रकट पेश करने के पूर्व प्री लिटिगेशन के रूप में भी यदि उसमें मीडिएशन करवाना चाहता है तो वो कार्रवाई हो सकती है। तो आप अपने अपने क्षेत्र में अगर इसका प्रचार प्रसार करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी, हमारे अधिवक्तागण भी अगर इस तरह से पक्षकारों को बताते हैं तो उनको लाभ मिलेगा। वो कहेगा नहीं सहमत है, फिर ना जाएगा ठीक है तुम अपनी बात बताओ, तो दोनों की सुनने के बाद बीच से उन्हीं के बीच से रास्ता निकालना है। मध्यस्थ को कोई जजमेंट नहीं देना होता, कोई राय नहीं देनी होती है, कोई विचार उनके कुछ भी नहीं होते हैं। ये मामला पक्षकार का होता है और उन्हीं को निष्कर्ष निकालना होता है और उसी पर वो सहमत हो जाते हैं। बेसिक मध्यस्थता नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा समझना है मुझे, जहाँ तक PLVs का रोल है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है कि आप उन सब चीज़ों को देखते हैं जो हम नहीं जान पाते हैं, तो उस हिसाब से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको समझा भी सकते हैं। तो आप लोग काम करें और अभिभाषक वर्ग तो सदैव इसमें कड़ी ही रहा है, बिना इसके तो कुछ भी नहीं हो सकता। होना तो बहुत दूर की चीज़ें कल्पना भी नहीं की जा सकती, आप नहीं कल्पना कर सकते कि जिस मामले में अभिभाषक इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उस पर राजीनामा के आप बातचीत भी कर पाएंगे, जो बहुत कुछ चीज़ है। तो आपका रोल तो हमेशा रहेगा, बस ये है कि सब समाज से आप लोग जुड़े हुए हैं, उद्देश्य यही है कि मामले को ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बैठ समझा दिया जाए, बुझा के ख़त्म कर लिया जाए, और इसी सहयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम बार बार रखा जा रहा है, लगातार रखा जा रहा है, हर बार रखा जा रहा है, जिसमें आप सहयोग करें। बाकी हम हर कदम पर आपके साथ हैं, जो भी आवश्यकता होगी, जो भी परेशानी हो आप हमें बताएं, उसका निदान करने का पहले हम आपस में मेडिसिन करेंगे, निदान करने का प्रयास करेंगे, फिर आप फिर में जाके काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।